आज हम लोग निकल चुके हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। तो ज़्यादा धूप नहीं है, हल्का धूप है। तो हम लोग मस्जिद जाते हुए, तो अभी हम नसीफुल चा के घर से गुजरते हुए, दरवाज़ा है ये नफीस नहीं नसीफुल चा का, और मस्जिद की ओर जाते हुए ईद की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी। तो हम लोग कुछ लेट हो चुके हैं, 10 मिनट बाकी है, तो हम लोग जल्दी जल्दी करके पहुंच रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखते रहिए आप मेरा ब्लॉग। तो हम लोग मस्जिद की ओर जाते हुए, बड़गामा शरीफ का मस्जिद है ये, और बाजार मस्जिद एक ही साथ है, दोनों मतलब रास्ता के इस पार उस पार है। और ये रौनक चा का बगीचा है। और हम लोग पहुंच चुके हैं मदरसा के पास, ये मदरसा का मेन गेट है। और फिर कब्रिस्तान क्रॉस करते हुए यहाँ बाएं साइड में आपको दरगाह शरीफ देखता होगा। तो मस्जिद इंटर करते हुए हम लोग मस्जिद के अंदर जाएंगे अभी। चप्पल खोलते हुए और मस्जिद के अंदर एंट्री करते हुए, अब वजू करेंगे। तो वजू करने जा रहे हैं हम लोग। फिर से मिलो बच्चा सो को रे पत्नी के लिए हीरा और सीने तोरे का लगा तो यार नहीं नहीं यार सही से लिए ना बब सब लोग भागा होगा।
एक शरीफ आदमी, सबके हमदर्द, सबके लिए अच्छा करने वाले, ठीक है, एक अच्छे किरदार के। आइए इधर आइए, हम अपना तो नहीं इसको रखिए, कोई नहीं हिंदू ले जाकर सिखा जी और नहीं यार यहाँ अरे निराले आ जाना। रमजान खत्म हो गया रात में और तरावी हम लोग पढ़े। अरे रमजान इबादत की अल्लाह का अल्लाह का करम है। आज हम लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद जितने भी मुसलमान हैं गले गले मिल रहे हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और गले गले मिल रहे हैं। इसी तरह हम मुसलमानों को मिलत दे, अल्लाह तौफीक दे, भाईचारगी बनाए रखे। और दुआ ये है सारे मुसलमान खुश रहे, अल्लाह ताला तौफीक दे, मिलत कायम रहे।